हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सुभाष गोरिल्ला, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। सभी का यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से वेलकम। देखिए बेटा, हमारा थर्ड चैप्टर रनिंग में है और इस थर्ड चैप्टर के अंदर आपने जो टॉपिक था वो कर लिया बेटा, पोलिनेशन। और पोलिनेशन के बाद में नेक्स्ट नंबर पे जो पोलिनेशन के टाइप्स थे वो कर लिए। और उसके बाद में हमने कल किया था इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्या था टॉपिक का नाम? इनकॉम्पेटिबिलिटी। कॉम्पेटिबिलिटी जो टॉपिक था उसके अंदर हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन अनसक्सेस हो गया था, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया था। जबकि आज हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, वो तो अनसक्सेस था पर होता कैसे उसकी बात करें। तो कल हमने समझने की कोशिश करें बेटा, लास्ट टॉपिक आपका ये था कि पोलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ पोलिनेशन यहाँ तक पहुंच गई। ये वाली समझ में आ रही है आपको कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं स्टिग्मा तक पहुंचने की, यहाँ तक पहुंचने की जो प्रोसेस थी उसका नाम था पोलिनेशन। यहाँ तक आपने स्टडी कर लिया। अब इस पोलिनेशन प्रोसेस के बाद में पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट्स होते हैं वो ओवम ओव्यूल जो है, ओव्यूल के अंदर जो एग सेल है उसके साथ फ्यूज होगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन उस प्रोसेस को बोलेंगे। अब इस टॉपिक को हम डिटेल से इसी में देखेंगे। पोलन ग्रेन इस पे आए तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद में यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर बनी, यहाँ तक कैसे पहुंचा उसके बारे में। एट फर्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन की बात करें तो देखिये बेटा, आपने छोटे क्लासों में 6-7 तक टॉपिक चलता आता है, उनमें आपने डेफिनेशन सुनी होगी, आप लोगों को लर्न होगी। द फ्यूजन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट न्यूक्लियस इन न्यूक्लियाई, जो मेल और फीमेल गैमेट्स के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। आप लोगों ने जब सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था उसमें आपने बात की थी कि जो मेल के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हैप्लोइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और वो गैमेट्स वापस से विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट इनटू डिप्लोइड स्ट्रक्चर। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। मींस गैमेट हैप्लोइड होते हैं और वापस से जब डिप्लोइड बनते हैं तो डिप्लोइड में क्या होगा बेटा, मेल और फीमेल गैमेट्स के न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन होगा, आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। देखिए बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब इस टॉपिक के बारे में सबसे पहले स्टडी स्ट्रॉस बर्जर ने की थी, स्ट्रॉस बर्जर, इसमें बेटा लिलियम प्लांट में की थी। स्ट्रॉस बर्जर साइंटिस्ट का नाम है, सबसे पहले जो स्टडी की थी इसके बेटा फर्टिलाइजेशन की, उनके अंदर साइंटिस्ट का नाम है स्ट्रॉस बर्जर। डेफिनेशन काफी इजी है, फ्यूजन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट न्यूक्लियाई, इनके फ्यूजन से जो बनने वाली प्रोसेस होती है और आप लोग जानते हैं द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा बेटा, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? जायगोट बनता है और जायगोट से बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड, सीड से न्यू प्लांट। तो ये प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हमने एक डेफिनेशन कर ली किस टाइप से होता है, अब एक प्रोसेस जो होती है उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं कि हमारे पास ये रहेगा कि एग सेल हमने पढ़ लिया पहले से कि एग सेल का फॉर्मेशन हुआ था फीमेल गैमेटोफाइट में और पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ था मेल गैमेटोफाइट में। अब मेल गैमेट का न्यूक्लियस एंड फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस आपस में जो फ्यूज होने की प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन। देखिए बेटा, इसके अंदर आप सबसे पहले ये देखें कि ये डेफिनेशन तो इजी थी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब प्रोसेस इस फ्लावर को देखें, हमारे पास ये फ्लावर का कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है बेटा? ये पार्ट है कार्पल। कौन सा पार्ट है? कार्पल। कार्पल के अंदर देखें, कार्पल का मतलब पिस्टल पार्ट जो होता है उसी को बोलते हैं पिस्टल, फीमेल पार्ट जो गायनोसियम का पार्ट है। इसके ऊपरी ऊपर वाले पार्ट का नाम होता है स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी।
ओवरी के अंदर क्या होगा बेटा? ओव्यूल। ये आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए, आती भी है। जब हम पोलिनेशन का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ये डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए बेटा इसमें क्या क्या होने वाला है। आप लोग इतना पढ़ चुके हैं कि बाय द हेल्प ऑफ पोलिनेशन जो पोलन ग्रेन पोलन टेट्राड से सेपरेट हुए थे बाहर क्या है बेटा एक्साइन और एनाइन के साथ में ये वाले जो स्ट्रक्चर है वो पोलिनेशन से क्या होगी बेटा यहाँ पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद में क्या होना है पहला स्टेप जिसका नाम है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद में पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे बेटा जर्मिनेट होंगे। पोलन ग्रेन क्या होंगे बेटा जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेट होने का मतलब होता है कि पोलन ग्रेन से जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। यहां से इस टाइप से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलेगी स्मॉल साइज की है पहले इसी का नाम क्या होता है बेटा जर्म ट्यूब। क्या नाम रहेगा इसका जर्म ट्यूब नाम रहेगा। आप लोग जानते हैं पहले से कि इनके अंदर क्या होते हैं जर्म पोर होते हैं। बाहर की लेयर का नाम स्पोरोपोलिन होता है जो एंजाइम का फॉर्मेशन करती है और इंटरनल जो होती है वो क्या होती है बेटा एनाइन होती है। सेल्यूलर और पेक्टोस से बनी होती है पेक्टिन से बनी होती है पेक्टोसेल्यूलोस जिसको बोलते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा पोलिनेशन प्रोसेस से जब पोलन ग्रेन आएंगे उसके बाद में यहाँ का जो स्टिग्मा का पार्ट है ये स्टिग्मा का पार्ट कुछ स्पेशल अडेप्टेशन या स्पेशल करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर जिसके कारण क्या होता है बेटा पोलिनेशन जर्मिनेशन होता है। देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले तो क्या प्रेजेंट होंगे बेटा हेयर प्रेजेंट होंगे। इस पर क्या होंगे बेटा हेयर्स प्रेजेंट होंगे वो भी खासकर स्पेशली जो हेयर्स होते हैं हाइड्रोलाइटिक प्रोटीन के बने होते हैं बेटा। जो प्रोटीन जो होती है कौन से टाइप के होते हैं बेटा हाइड्रोलाइटिक प्रोटीन के जो हाइड्रोलाइटिक प्रोटीन के हेयर प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे बेटा प्रोटीन के हेयर प्रेजेंट होंगे हाइड्रोलाइटिक प्रोटीन के हेयर प्रेजेंट होंगे। अब इसे हाइड्रोलाइटिक प्रोटीन के हेयर प्रेजेंट है उसके साथ साथ यहाँ हमें देखा बेटा क्या होगा बेटा मॉइस्ट प्रेजेंट होगी। क्या होगी बेटा मॉइस्ट होगी। ये दोनों स्पेशल अडेप्टेशन है स्टिग्मा के ऊपर। एक तो क्या होगा बेटा स्पेशल हेयर्स प्रेजेंट होंगे प्रोटीन के उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे हमने देखा क्या प्रेजेंट होगी बेटा मॉइस्ट प्रेजेंट होगी। इस कंडीशन से जो पोलन ग्रेन्स होता है उनको मॉइस्ट मिलती है और पोलन ग्रेन्स को मॉइस्ट मिलने से क्या होगा बेटा यहाँ जर्मिनेशन होगा। मीन्स इनके मॉइस्ट मिलने से क्या बनती है बेटा इस पोलन ग्रेन से क्या निकलती है पोलन ट्यूब या इसको हम बोलते हैं बेटा जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बेटा जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर जो मॉइस्चर है इसके अंदर क्या होंगे बेटा स्पेशल टाइप के जो यहाँ पर मॉइस्चर एरिया है उसके अंदर क्या होंगे बेटा डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस होंगे कौन से बेटा फैट लिपिड प्रोटीन बोरिक एसिड ये सभी जो है ये पोलन ग्रेन को पोलन जर्मिनेशन के लिए मीडियम प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा मीडियम प्रोवाइड करते हैं कौन कौन से फैट लिपिड प्रोटीन उसके साथ साथ बोरिक एसिड इसके ऊपर प्रेजेंट होगा। ये यहाँ पर सब चीजें पहले से होते हैं जिसके कारण से पोलन ग्रेन को जर्मिनेशन करने के लिए न्यूट्रिशन या हम कह सकते हैं मीडियम अवेलेबल हो जाता है ये सब चीजें। इसके साथ साथ जो बाहर की स्पोरोलिन है इसकी जो स्पोरोलिन होती है यहाँ पर आके स्पेशल टाइप के एंजाइमों का सिक्रेशन करती है। स्पोरोपोलिन जो होती है इस स्टिग्मा पर मॉइस्चर को जो एब्जॉर्प्शन करती है मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन करने के बाद में यहाँ डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स है उनका सिक्रेशन होता है किससे बेटा इस वाले पार्ट से एंजाइम पार्ट से। और इसके अंदर कौन कौन से होंगे देखें आप एंजाइम के अंदर डिफरेंट टाइप के एल्कलाइन है फॉस्फेटेज है राइबोन्यूक्लिएज है इससे क्या होंगे बेटा अलग अलग फॉस्फेटेज एंजाइम उसके साथ साथ एल काइनेज राइबो न्यूक्लिएज इटीसी डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स भी अब
सिक्रेशन होता है किसके द्वारा, स्पोरोपोलिन से। इसके साथ साथ स्टिग्मा जो होती है क्या होती है, ब्रोड होती है, हेयरिंग प्रोटीन, ये हेयर स्ट्रक्चर बनी होती है, हाइड्रोलाइटिक नेचर की है। उसके साथ साथ वहां पर क्या अवेलेबल होता है बेटा, फैट, लिपिड, प्रोटीन, बोरिक एसिड। इन सभी कंडीशन से पोलर ग्रेन के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप होती है और उसको बोलते हैं जर्म ट्यूब। और जर्म ट्यूब निकलने से वही जर्म ट्यूब ग्रोथ करके क्या बनाती है, पोलर ट्यूब। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था कि पोलर ग्रेन पोलिनेशन के बाद में क्या होगा, स्टिग्मा पर पहुंचेगा। स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद में उनको इस टाइप की फैसिलिटी मिलेगी, मीन्स वहां पर हेयरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, उसके साथ साथ मोइस्ट प्रेजेंट होगा। उस मोइस्ट के अंदर क्या होगा बेटा, फैट, लिपिड, प्रोटीन, बोरिक एसिड, वाटर, ये सारे इसके अंदर मिक्स होंगे। ये सभी पोलर ग्रेन को एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं कि उस मीडियम में पोलर ग्रेन का जर्मिनेशन हो जाए। उसके साथ साथ अकेला ये नहीं करता, उसके साथ साथ पोलर ग्रेन भी इसके कॉन्टेक्ट में आने पर, या हम कह सकते हैं इसके जर्मिनेशन प्रोसेस के अंदर क्या करता है बेटा, डिफरेंट टाइप के एंजाइम का भी सिक्रेशन करता है। एल्कलाइलेज है, चाहे वो फॉस्फेटेज है, राइबोन्यूक्लिएज है, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स का क्या करेगा बेटा, सिक्रेशन करेगा। अब इन दोनों की प्रोसेस जो होती है वो क्या करेगी बेटा, इन दोनों की प्रोसेस के कारण से क्या होगा, इनके अंदर जो हमने कहा था जर्म पोर थे, जर्म पोर से क्या निकल जाएगी, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा पोलन जर्मिनेशन। जैसे ये पोलन ग्रेन था और ये पोलन ग्रेन से इस सारी प्रोसेस से क्या हो गया, इस टाइप से एक ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। अब इसी के अंदर देखें आप ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब, क्योंकि आप लोग पहले से जानते हैं कि वेजिटेटिव सेल ऑफ द पोलन ग्रेन, वेजिटेटिव सेल ऑफ द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की वेजिटेटिव सेल जो होती है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अब इसके अंदर जैसे जैसे ही पोलन ट्यूब आगे की तरफ ग्रोथ करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि ये इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, इसके साथ साथ वेजिटेटिव सेल होती है वो बड़े साइज की सेल होती है, वो क्या करती है बेटा आगे की तरफ क्या करती है, ग्रोथ करती है। अब इस ग्रोथ में ये रहा है, यदि वो सेम स्पीसीज का है तो ही क्या होगा बेटा, एंजाइमों का सिक्रेशन होगा, ये सब चीजें होंगी, तभी जर्मिनेशन होगा। यदि ऐसी कंडीशन हो जाए कि मान लो कि दूसरी स्पीसीज का पोलन ग्रेन यदि जर्मिनेशन हो भी जाता है तो डिफरेंट स्पीसीज में अंदर वो पोलन ट्यूब ग्रोथ नहीं करेगी। तो पहला हमारे पास पोलन जर्मिनेशन और दूसरा क्या होगा बेटा, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ये पोलन पहले इसका नाम था जर्म ट्यूब, जब छोटी थी जर्म पोर से निकली थी, अब उसका नाम क्या हो गया बेटा, पोलन ट्यूब हो गया। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किससे होता है बेटा, वेजिटेटिव सेल से होता है, वेजिटेटिव सेल से ये लगातार क्या करेगी, ग्रोथ करती है। अब देखिए बेटा इसी के अंदर हम आगे चलते हैं, यहां तक का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यहां देखिए पोलन ग्रेन इस पे आए, आने के बाद में इस मेथड से, इस मीडियम से इन्होंने क्या कर लिया, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन कर लिया। अब जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ क्या हुआ बेटा, पोलन ट्यूब या जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो चुका है। अब देखिए बेटा अगला पार्ट जो यही यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये क्या है बेटा, स्टाइल है। और स्टाइल होने के कारण से तो ये क्या होगा बेटा, इसमें ग्रोथ करेगी, तो यहाँ इसको जाना किसमें है, ओवरी में है, पर उससे पहले इसको कहां से निकलना पड़ेगा बेटा, स्टाइल से जाना पड़ेगा। तो इसके अंदर ग्रोथ कहां पर होगी इसकी बेटा, स्टाइल में होगी। अब स्टाइल में अलग अलग प्रोसेस हैं, अलग अलग प्रोसेस क्या रहेगी बेटा, कि ये स्टाइल है, ये वाला ये पोर्शन है और ये पोलन ट्यूब, इसको जाना है। पहली कंडीशन में क्या होता है बेटा, कुछ प्लांट में ये जो पोलन ट्यूब होती है, जो क्या होती है बेटा, होल होती है, लेकिन खाली होती है अंदर से, उस कंडीशन में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा ध्यान दे बेटा, कितनी पोलन ट्यूब जाएगी, जितने ओव्यूल हैं उतनी जाएगी, ऐसे नहीं एक ही जाएगी, कोई फिक्स नहीं होता, जितने ओव्यूल होते हैं सबको पोलिनेशन के लिए मेल गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अलग अलग प्लांट में स्टाइल के अंदर पोलन ट्यूब के नंबर भी क्या होंगे बेटा, अलग अलग होंगे। कुछ प्लांट में क्या करता है बेटा, ये पोलन ट्यूब जैसे अंदर जाती है तो यहाँ पर क्या होती है बेटा, सेल्स होती है, पैरेन्काइमेटा सेल्स, इस टाइप से सेल्स होती है। ये जैसे ही पोलन ट्यूब इसके अंदर जाएगी तो ये पोलन ट्यूब क्या करते हैं बेटा, पेक्टिनेज एंजाइम का सिक्रेशन करती है। किसका करते हैं बेटा, पेक्टिनेज एंजाइम का सिक्रेशन करती है। और पेक्टिनेज एंजाइम का सिक्रेशन करने से
बीच की जो मिडल की जो सेल्स होती है वो क्या हो जाएंगी बेटा, डेस्ट्रॉय हो जाएंगी और इससे क्या मिल जाता है, एक पाथवे अवेलेबल हो जाता है। क्या हो जाएगा बेटा, पेक्टिनेज एंजाइम का सिक्रेशन करेगी जिसके कारण से उसको स्पेशल टाइप का पाथवे मिल जाएगा। पेक्टिनेज एंजाइम का सिक्रेशन करने पर इनमें क्या होगी, ये सेल बीच बीच में से डेस्ट्रॉय हो जाएंगी और डेस्ट्रॉय होने से इसको क्या मिल जाएगा, पाथवे मिल जाएगा। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो पोलन ट्यूब है वो किस टाइप से एंटर करेगी बेटा, इंटर सेलुलर स्पेस के बीच में। वो क्या होगा, उसमें स्ट्रेट नहीं होगी, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उनको बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेस। तो ये पोलन ट्यूब एंटर करेगी, जहां से स्पेस दिखेगा उस टाइप से ये करती हुई ग्रोथ करती हुई क्या चली जाएगी बेटा, नीचे की तरफ चली जाएगी। तो इस टाइप से हमारे पास ये वाला टॉपिक देखे आप कि किस मेथड से पोलन ट्यूब ने स्टाइल जो स्टाइल का पाथवे है वो किस टाइप से क्रॉस किया है। क्योंकि हम जब स्टाइल का फंक्शन देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि पाथवे अवेलेबल करवाती है किसको, जोड़ती है बेटा स्टिग्मा और ओवरी को। तो पहले हमने जर्मिनेशन देखा, जर्मिनेशन होने के बाद में इसने ग्रोथ की, ग्रोथ कहां से करेगा, स्टाइल से करेगा। स्टाइल के अंदर तीन मिनिमम कंडीशन आपको याद रखनी है कि कुछ प्लांट में क्या होता है बेटा, ये अंदर से खाली होती है, कोई सेल्स नहीं होती, उस कंडीशन में किसी को की टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पोलन ट्यूब सीधी ग्रोथ करेंगी। कुछ में क्या होता है बेटा, स्पेशल टाइप की सेल होती है, उन सेल में पेक्टिनेज एंजाइम का सिक्रेशन होता है। पेक्टिनेज एंजाइम का जब सिक्रेशन होगा तो ये जो सेल जिसके ऊपर ये सिक्रेशन होगा वो सेल क्या हो जाएंगी, डेस्ट्रॉय हो जाएंगी और डेस्ट्रॉय होने के बाद में वहां पर एक पाथवे मिल जाएगा जिसके कारण से पोलर ट्यूब क्रॉस कर सकती है इसको। तीसरी क्या हो सकती है बेटा, इंटर सेलुलर स्पेस, जो सेल्स होती है उनके बीच में जो स्पेस होता है इनमें से क्या करेगी बेटा, पोलन ट्यूब क्या करेगी, कंटिन्यूस ग्रोथ करेगी और वो कहां पहुंच जाएगी बेटा, ओवरी के अंदर पहुंच जाएगी। तो ये हमारे पास दूसरा स्टेप था कि पहले के अंदर बेटा आपने देखा पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन या जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के बाद में आपने उसी के अंदर देख लिया बेटा पोलन ट्यूब की ग्रोथ। और तीसरा टॉपिक हमारे पास जो हम करने जा रहे हैं वो कौन सा हो गया बेटा, ग्रोथ के अंदर हम स्टाइल के अंदर जो किसके स्टाइल का चेंज हो जाता है क्योंकि बीच में स्टाइल आएगी उसके बारे में हमने देख लिया। अब थर्ड देखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। इधर ध्यान दें आप, पहले कंडीशन में पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन समझ में आ गया, हमने कहा बेटा यहाँ पर स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगी किसके बने, प्रोटीन के हेयर्स प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोलाइटिक प्रोटीन के हेयर्स होंगे। उसके साथ साथ स्टिग्मा पर क्या होता है बेटा, मोइस्ट होता है जिसमें फैट लिपिड प्रोटीन बोरिक एसिड ये सभी मीडियम अवेलेबल करवाते हैं, प्रोवाइड करते हैं किसको, पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन को इस टाइप का मीडियम अवेलेबल होगा तो उसमें जर्मिनेशन होगा। इसके साथ साथ पोलन ग्रेन की आउटर लेयर जिसको एक्साइम बोलते हैं डिफरेंट टाइप के एंजाइमों का सिक्रेशन करती है, जैसे हमने डिस्कस किया बेटा अभी एल्कलाइनेज, फॉस्फेटेज, राइबोन्यूक्लियेज, डिफरेंट टाइप के एंजाइमों का सिक्रेशन होता है। इन दोनों की कंडीशन में पोलन ग्रेन के जर्म पोर से एक ट्यूब निकलती है जिसका नाम होगा जर्म ट्यूब, और उसी जर्म ट्यूब पे निकलने की प्रोसेस क्या कहलाती है, पोलन ग्रेन जर्मिनेशन। कहां हुआ, स्टिग्मा के ऊपर। उसके बाद में पोलन ग्रेन जर्मिनेशन में वो जर्म ट्यूब जैसे जैसे ग्रोथ होगी उसका नाम हो जाएगा पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो उसको रास्ते में क्या मिल रहा है, स्टाइल। तो स्टाइल में तीन कंडीशन है, या तो स्टाइल फोर होगी, या पेक्टिनेज एंजाइम से खाली कर दी जाएगी, या इंटर सेलुलर स्पेस में से पोलन ट्यूब कंटिन्यूस ग्रोथ करती है। ये तीन स्टेप है जिस टाइप से आगे की तरफ जाएगा। अब देखें बेटा इसका टारगेट क्या है, इस पोलन ट्यूब का, इस पोलन ट्यूब का टारगेट है बेटा ये वाला, क्या नाम है इसका, इसका नाम है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर किस टाइप से एंटर करेगी इसको, इस डायग्राम को हमने उठाते थोड़ा बड़ा बना लिया है। देखें बेटा इसकी एंट्री किस में होनी है, ओव्यूल में होनी है। अब ओव्यूल में होने के लिए हमारे पास किस किस मेथड से ये ओव्यूल में एंटर कर सकती है, पोलन ट्यूब इस टाइप से ये हमने थोड़ा बड़ा करके बनाया है, ये पोलन ट्यूब है और इसमें ये क्या बेटा मेल गैमेट्स हैं, क्या बेटा ये मेल गैमेट। ये मेल गैमेट है इसमें,
अब इसकी एंट्री किसमें होनी है, ओव्यूल में होनी है। देखिए बेटा सबसे कॉमन मेथड क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोगेमी। क्या नाम है बेटा इसका? प्रोगेमी। देखिए प्रोगेमी का नहीं पूछता बेटा कि इस टाइम के अंदर क्या होगा प्रोगेमी में, कि यदि पोलन ट्यूब कहां से एंटर हो बेटा, माइक्रोफाइल से। कहां से एंटर होगी बेटा? माइक्रोफाइल से ओव्यूल में एंट्री करती है, ओव्यूल में एंट्री करती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोगेमी। कहां से करेगी बेटा? माइक्रोफाइल। माइक्रोफाइल से एंट्री करेगी तो ये क्या होगी? प्रोगेमी। सबसे कॉमन मेथड है, मोस्टली प्लांट में ऐसा होता है। मोस्टली प्लांट में ऐसा होता है कि पोलिन ट्यूब, अभी हमने कहा ग्रोथ की, ग्रोथ करके कहाँ आ गई, स्टाइल को क्रॉस करके कहाँ आ गई बेटा? ओवरी में। और ओवरी में क्या है? ओव्यूल। और इसको आप लोग पहले से जानते हैं कि एम्ब्रियो सैक कहाँ है, ओव्यूल में है। एग सेल कहाँ है? ओव्यूल में है। तो इसको कहाँ एंट्री करनी पड़ेगी बेटा? ओव्यूल में एंट्री करनी पड़ेगी। एट फर्स्ट जो मेथड है उसको बोलते हैं प्रोगेमी। और प्रोगेमी के अंदर क्या एग्जांपल है बेटा? प्रोगेमी के अंदर रहेगा कि सबसे कॉमन मेथड है और मोस्टली प्लांट में ऐसा होता है। मोस्टली प्लांट में ऐसा होता है जिसमें क्या होगा बेटा, पोलन ट्यूब ग्रोथ करती हुई कहाँ जाएगी? माइक्रोपाइलर पे। और माइक्रोपाइलर से क्या करेगी? एंटर करेगी। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोगेमी। क्या नाम रहेगा बेटा? प्रोगेमी। दूसरा देखिए बेटा चलाजोगेमी। क्या है दूसरे का नाम? चलाजोगेमी। चलाजोगेमी में थोड़ा सा सिस्टम बदल जाएगा क्योंकि आप लोग जानते हैं इसका नाम था माइक्रोफाइल। इसका नाम क्या था बेटा? माइक्रोफाइल। तो इसका नाम क्या रहा था बेटा? चलाजा। अब मान लो कि ये सोशे पोलर ट्यूब इतना घूमना क्यों है, सीधा ऊपर से आ रहे हैं, सीधा का सीधा इधर से एंट्री कर ले तो इस टाइप से जो एंट्री होगी इससे बेटा चलाजर एंड की तरफ से एंट्री होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? चलाजोगेमी। पोलन ट्यूब कहां से चली? स्टाइल से आगे ग्रोथ करती हुई कहां पहुंच गई बेटा? ये चलाजर एंड की तरफ आके डायरेक्ट चलाजर एंड से ही कहां करके बेटा इसके अंदर एंटर कर गई। एंटर करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? चलाजोगेमी। केजुराइना जो होता है उसमें इस टाइप सा होता है, एक विटुला प्लांट होता है उसमें इस टाइप का एग्जाम्पल है। केजुराइना और विटुला दो प्लांट, बहुत सारे एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, केजुराइना और विटुला। तीसरा और देखिए बेटा क्या हो सकता है। देखिए बेटा पहला आपने देखा माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री हुई, दूसरा चलाजल एंड से, तीसरा क्या है? तीसरा जो मीडियम है वो क्या करता है बेटा? मीजोगेमी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसमें? मीजोगेमी। मीजोगेमी में क्या रहेगा कि चलाजल एंड से भी एंट्री नहीं कर रहा पोलन ट्यूब और माइक्रोपाइलर से भी एंट्री नहीं हो रही। कहां से हो रही है बेटा? मिडल से होती है। किसके मिडल में? चलाजोगेमी, यानी इंट्यूब्यूमेंट से। इंट्यूब्यूमेंट के अंदर है चलाजोगेमी और माइक्रोपाइलर दोनों के बीच में से एंट्री हो रही है। कहां से होगी बेटा? मीजोगेमी का मीन्स होता है बेटा चलाजल एंड से भी नहीं हो रही और माइक्रोपाइलर दोनों के मिडल पार्ट से हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? मीजोगेमी। कुकुरबिटा फैमिली का नाम है बेटा कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी के अंदर ज्यादातर ये बेलें जो आती हैं उनमें ऐसा ही होता है। कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर इस टाइप की कंडीशन होती है। कुकुरबिटेसी में पोलन ट्यूब की एंट्री किससे होती है बेटा? मिडल पार्ट से होती है, मींस इंट्यूब्यूमेंट रीजन से होती है। और वो भी कहां बेटा? चलाजल और माइक्रोपाइलर के मिडल से होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? मीजोगेमी। क्या नाम है बेटा इसका? मीजोगेमी। दोबारा देखिए आप, प्रोगेमी में हमारा टॉपिक है कि ओव्यूल में पोलन ट्यूब की एंट्री कहां से। पहला है सीधा रास्ता, जिस रास्ते से उसको आना है वो सीधा पाथवे बेटा डायरेक्ट आएगा। जहां इंट्यूब्यूमेंट नहीं है उसको हमने माइक्रोपाइल बोला था, और माइक्रोपाइल से क्या हो जाएगी बेटा? ये एंटर हो जाएगी। एंटर होने के बाद में दूसरा ऑप्शन जो था इसका, वो दूसरा ऑप्शन क्या रहा बेटा? मीजोगेमी। मीजोगेमी का मतलब होता है बेटा दोनों के मिडल से, किसके बेटा? पोलन ट्यूब और सॉरी माइक्रोपाइलर और चलाजल के मिडल से होती है, उसको हम बोलते हैं मीजोगेमी। और लास्ट जो हमारे पास था जिसको हम चलाजोगेमी कह सकते हैं, केजुराइना एग्जाम्पल, विटुला एग्जाम्पल लिया था,
कि डायरेक्ट आती स्ट्रेट होती सीधी किसी में एंटर कर देगी बेटा, चलाजर एंड से एंटर कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा चलाजो गेमी। इस टाइप से तीनों टाइप की जो पोलन ट्यूब की एंट्री है पोलन ट्यूब के अंदर एंट्री हो जाएगी। देखिए बेटा इस टाइप से हमारे जो टॉपिक थे आज के वो कौन कौन से थे। आज का टॉपिक था फर्टिलाइजेशन, डेफिनेशन आपने कर ली, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के कुछ स्टेप थे, उस स्टेप में पहला था बेटा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास था ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो गई। थर्ड नंबर पे देखते हैं बेटा पोलन ट्यूब की ग्रोथ में हम स्टाइल वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ये सिग्मा के बारे में देखते हैं। और यहां था बेटा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल, इन तीन टॉपिक्स के बारे में आपने डिस्कशन किया। इसमें तीन टाइप थे, जिसमें प्रोगेमिंग, दूसरे नंबर पे चलाजो गेमी, उसके बाद में मीजो गेमी, ये टॉपिक थे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम देखेंगे कि किस टाइप से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, क्योंकि यहां तक का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मीजो गेमी तक एंट्री होगी, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि पोलन ट्यूब के अंदर से जो मेल गैमेट होते हैं उनका आपस में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। थैंक यू।